मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में दिव्यांग बेटियां शिक्षा के लिए तरस रही हैं। आलम यह है कि कलेक्टर के आदेश के बाद भी स्कूलों में दिव्यांग बच्चियों को प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिसके बाद अब उन्होंने सीएम कमलनाथ से मदद की गुहार लगाई है। देखिए खास रिपोर्ट। कुदरत ने भले ही इन बेटियों को कुछ कमियां दी हैं, लेकिन इनके सपने कुछ कर गुजरने के हैं और उनके सपनों के बीच आड़े आ रही है सरकारी नीतियां। सीएम कमलनाथ के गृह जिले के ग्रामीण अंचलों की करीब 20 दिव्यांग बेटियां 11वीं और 12वीं क्लास में दाखिला लेने के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं। दरअसल दिव्यांग छात्राओं को 10वीं तक सरकार अपने खर्च पर पढ़ाती है, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने खर्च पर पढ़ाई करना होती है। जिले के एक समाज सेवी और दिव्यांग शिक्षक इन बच्चियों को रहने का खर्च जन सहयोग से उठा रहे हैं, लेकिन अब इन बच्चियों के सामने स्कूल में दाखिले का संकट है। क्लास प्राइवेट हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, हमको सरकारी स्कूल नहीं मिल रहा है 11वीं क्लास में, और हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसलिए हम यहाँ पर, वो जगह नहीं है बोलते हैं, जगह खाली नहीं है, अभी हम अप्लीकेशन लेते हैं। किसको देंगे? आगे पढ़ना चाहते हैं पर हमें कैलाश नगर स्कूल छिंदवाड़ा में एडमिशन नहीं मिल रहा है। हम लोग 10th पास कर चुके हैं और बाकी बच्चे भी 11th पास कर चुके हैं, उन्हें 12th में एडमिशन नहीं मिल रहा है। जी, पास तारीख को सर ने लेटर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, निर्देशित कर दिया है कलेक्टर साहब। वहीं शिक्षकों का कहना है कि उनके पास ज़्यादा बच्चों के बैठने की क्षमता नहीं है, जिस वजह से भी दिव्यांग बेटियों का दाखिला नहीं हो रहा है। दिव्यांग बेटियों के लिए फ्री में हॉस्टल चलाने वाले शिक्षक कमलेश साहू ने बताया कि बच्चियों के एडमिशन के लिए कलेक्टर ने शिक्षक को बोल दिया है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षकों का कहना है कि उनके स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और संसाधनों की कमी के चलते इन्हें दाखिला नहीं दे सकते। दिव्यांग बालिकाएं हैं, इन्हें शासन की योजना अनुसार केवल 10वीं तक सरकारी छात्रावास उपलब्ध होता है, कक्षा 11वीं या उससे अधिक कक्षाओं के लिए शासकीय छात्रावास नहीं है। ऐसी स्थिति में गत वर्ष जो 12 बच्चियां 10वीं पास हुई थी उन्हें हमने जन सहयोग से प्राइवेट कमरा लेकर रखा और चलाया छात्रावास। इस बार हमने एक स्थायी भवन नैयाबादी गांधीगंज के पीछे बनाया है, जहाँ से कैलाश नगर कन्याशाला लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। हम वहाँ की प्राचार्या से पिछले एक महीने से व्यक्तिगत निवेदन किया, लेकिन वो जगह का हवाला देकर प्रवेश नहीं दे रही। 5 तारीख को मैं माननीय कलेक्टर महोदय से मिला था, उन्होंने भी एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया। मेरे साथ कई पत्रकार और समाज सेवियों ने भी परसों तक प्रचार महोदय से संपर्क किया, लेकिन वो 12वीं की छात्राओं को अभी भी नियमित प्रवेश देने से लगातार इनकार। कुल मिलाकर शिक्षकों की असंवेदनशीलता के चलते अब बेटियां सीएम कमलनाथ से गुहार लगा रही हैं। अब देखना होगा कि क्या कमलनाथ इन बेटियों के जीवन में शिक्षा का उजाला ला पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, छिंदवाड़ा।